अब आपको सीधे लिए चलते हैं मुख्यमंत्री के आवास पर, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों से रूबरू हो रहे हैं, पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। साथ में इंश्योर करना पड़ेगा कि वो किसी भी कीमत पर लॉकडाउन के जो नियम कायदे हैं उनको ब्रेक नहीं कर रहे, उनको फॉलो कर रहे। और एक्टिविटी शुरू होने का मतलब ये नहीं है कि आपको तमाम जो पहले लॉकडाउन की स्थिति में आपको मास्क की बात की गई थी, कंपलसरी किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है तो वो फैक्ट्री में करनी पड़ेगी। ये तमाम कायदे जो बनाए हुए हैं वो उनको लागू करने पड़ेंगे और उसकी जिम्मेवारी फैक्ट्री के मालिक की होगी और सरकारी जो अधिकारी होंगे वो उसको कभी कभी मॉनिटर कर लेंगे, पर जिम्मेवारी इंडस्ट्री के मालिक की होगी। नंबर एक, जो फैक्ट्री में मजदूर काम करते हैं वो इमीडिएटली शुरू हो सकती है, या जो मजदूर बाहर से वो बसों से लाएंगे तो उनको पास की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये तमाम डिटेल गाइडलाइन बता दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्योंकि लोग बहुत समझदार हैं राजस्थान के अंदर और समझदारी से काम अभी तक ले रहे हैं, इसीलिए लॉकडाउन यहाँ पर कामयाब रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी क्योंकि 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है और 20 अप्रैल से मॉडिफाइड हो रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वही सहयोग वही अनुशासन देखने को मिलेगा और हम चाहेंगे कि राजस्थान कैसे नॉर्मल स्थिति की तरफ आगे बढ़े, उस दिशा में पूरी ताकत झोंक रखी सरकार ने। और उसी रूप में हम लोग टेस्टिंग की बात करें तो हम बार बार कहते हैं पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा टेस्ट करने वाला राजस्थान बन गया है, टेस्टिंग पूरी हो रही है, रैपिड टेस्ट के किट आ चुके हैं, उनका यूज होना शुरू हो गया है, PCR के टेस्ट चलते रहेंगे क्योंकि कन्फर्मेटरी वही है ज़्यादा। इस प्रकार से हम चाहते हैं कि जो प्रोटोकॉल निर्धारित किया है, चाहे भारत सरकार ने किया है चाहे हमने अपने स्वयं पर लागू किया है, उसके आधार पर ये पूरी त्रासदी से कम मुकाबला कर सकें। मजदूरों की बात आती है, अभी तो फैसला ये हुआ नहीं है कि आप मजदूरों से आदान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि कई राज्य बीच में आते हैं। राजस्थानी प्रवासी चाहते हैं हम अपने घरों में आ जाएं एक बार, और भारत सरकार जब तक अलाउ नहीं करेगी तो चाहे आसाम हो, चाहे बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, रास्ते में आना उनके लिए कठिन है इसलिए आ नहीं पा रहे हैं। मैंने प्रयास किए हैं, मैंने बात की मुख्यमंत्री जनों से, तो कोटा को लेके कि कोटा के छात्र जो फंसे हुए हैं उनके लिए भारत सरकार से चीफ सेक्रेटरी स्तर पर कई दौर की चर्चाओं के बाद में कुछ हल निकला है कि भारत सरकार एग्री कर गई है कि जो राज्य सरकार ने तैयार हो लेने के लिए वहाँ पे आप अलाउ कर सकते हो। तो UP ने 200-250 बसें भेजी, वहाँ पे हमारे छात्र जा चुके हैं। और छत्तीसगढ़ मैंने बात करी मुख्यमंत्री जी से, आसाम में सुनने वाले से बात करी आसाम के मुख्यमंत्री जी से, बंगाल में मैंने ममता दीदी से बात करी, आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी से मैंने बात करी, और ये मैंने रिक्वेस्ट करी है कि एक तो हमारे जो प्रवासी हैं उनका आप पूरा ख्याल रखें क्योंकि उन्हें बेचैनी बढ़ती जा रही है और भारत सरकार ने अलाउ किया नहीं लाने के लिए। दूसरा, खाने पीने की व्यवस्था है वो थोड़ा और आप विशेष ध्यान रखवाएं, अपने अधिकारियों से बात करें। उन तमाम और पंजाब मुख्यमंत्री से पहले बात हो चुकी थी, उन्होंने काफ़ी इक्विपमेंट भेजे राजस्थान के अंदर अलाउ किए थे, तो चारों ओर हम लोग संपर्क में हैं। और ये सबको कहा गया कि चीफ सेक्रेटरी कोई अड़चन आएगी तो आप आपस में वो बात कर लेंगे और समस्या के समाधान करने में CS स्तर का जो वार्तालाप होगा उससे मैं उम्मीद करता हूँ कि वो उससे काफ़ी आसानी हो जाएगी। वैसे दो अधिकारी हमने जो उन राज्यों में बिलोंग करते हैं उनको आपको मालूम है कि हमने उनको इंचार्ज बनाया हुआ है। तो ये तमाम अंतर्राज्यीय समस्याएं, अंतर्राज्यीय मजदूरों के, माइग्रेंट के मामले, कोटा के स्टूडेंट के मामले, ये तमाम
और टॉप प्रायोरिटी में हम लोगों ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। और जब कभी लॉकडाउन खुलेगा भी 3 के बाद में भी, तब भी जो लोग आएंगे, चाहे छोटे व्यापारी हो, दुकानदार हो या मजदूर हो, राजस्थान के लोग तो एक बार आएंगे आएंगे लाखों के अंदर। तो हमारी तैयारी रहेगी, अभी से हम तैयारी कर रहे हैं कि किस प्रकार से उनको स्टेट वाइज आने के लिए रिक्वेस्ट करें, जिससे कि एक साथ में इतनी भीड़ नहीं आ जाए वहाँ पर सीमा पर, कि उनको कैसे, तो एक बार उनको चेक करना पड़ेगा, उनको उनके इंतजाम करना पड़ेंगे चाय पानी के, खाने के, जो भी हैं। तो हम चाहेंगे कि बहुत स्मूथली ये काम भी हो, वो व्यवस्था भी हमारे दिमाग के अंदर है, हम चाहते हैं उसके आधा बना के हम आगे बढ़ें। इस प्रकार से हम लोग मैं समझता हूँ कि तमाम व्यवस्था हम कर चुके हैं। और बाकी तो आपको मालूम है कि जो 1220 जो है पॉजिटिव केस राजस्थान के अंदर है, उसमें 60 केस, उसके अलावा 60 केस है जो ईरान से आए हुए लोग हैं, उनके 60 केस हो गए हैं जो जैसलमेर जोधपुर के अंदर रह रहे हैं। और कुल 47,197 अभी तक कुल टेस्ट राजस्थान में हमने सैंपल लिए हैं। और मैं समझता हूँ कि भर्ती जो है वो 947 अभी भर्ती राजस्थान भर के अंदर लोग हैं, उसमें से 941 जो है वो वार्डों के अंदर है और सिर्फ 6 मरीज आईसीयू के अंदर है, सिर्फ 6 मरीज, बाकी करीब करीब वो ठीक है, ठीक होते जा रहे हैं। जैसे जैसे वो नेगेटिव होंगे वैसे हम लोग उनको उनको अलाउ करेंगे घर जाना, इस प्रकार से प्रोटोकॉल निभाना पड़ेगा और उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये स्थिति ओवरऑल है राजस्थान के बारे में। धन्यवाद सर, थैंक यू। सभी वाइटल इंफॉर्मेशन के साथ सर का उद्बोधन अभी हुआ। मैं निवेदन कर दूं कि आज 10 लोग मौजूद हैं। CR2 में DM शर्मा जी सांध्य ज्योति से, राजेंद्र छाबड़ा जी वरिष्ठ पत्रकार, श्रीमती राखी राय तालुकदार वरिष्ठ पत्रकार पूर्व संवाददाता टेलीग्राफ, श्याम सुंदर शर्मा राष्ट्रीय सहारा और पी जॉयचंद टाइम्स ऑफ इंडिया CR2 में है। DIPR रूम में है राजेंद्र हरितवाल जी दैनिक देशबंधु, सुशांत पारिक जी न्यूज, हर्ष खटाना दैनिक भास्कर, समीर शर्मा राजस्थान पत्रिका और अजय डड्डा पंजाब केसरी से। तो मैं अनुरोध करूंगा BM शर्मा जी दैनिक सांध्य ज्योति से कि अपना प्रश्न। सर प्रणाम। प्रणाम। इस महामारी के COVID-19 से लड़ने के लिए आपके निर्देशन में काम कर रहे चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव समस्त चिकित्सकों ने प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में दवाओं का संयोजन का प्रयोग कर इस महामारी से लड़ने के लिए देश में नई उम्मीद की किरण जगाकर राज्य का नाम गौरवान्वित किया है, उसके लिए आप और आपकी पूरी टीम बहुत बहुत बधाई है। श्रीमान, राजस्थान में 1900 गौशालाएं पंजीकृत हैं राज्य सरकार द्वारा। आपने विधानसभा में भी घोषणा की थी कि हमारी सरकार गोवंश संरक्षण के लिए संवेदनशील है, इसके चलते आपने गौशालाओं में मिलने वाले 6 माह के अनुदान को बढ़ा करके 9 माह का अनुदान करने का आश्वासन दिया था। उसके पश्चात अभी जो परंतु घोषणा से लेकर के अब तक 1 माह का गोदान अनुदान सिर्फ गौशालाओं को जारी किया गया है। वर्तमान पंजीकृत गौशालाओं के अलावा प्रदेश में 1000 अपंजीकृत गौशालाएं भी हैं संचालित हैं, जिनमें से 50,000 से अधिक गोवंश का पालन पोषण रखरखाव दानदाताओं और भामाशाहों के द्वारा किया जा रहा है। कोरोना की महामारी के कारण किए गए लॉकडाउन की वजह से अब ये दानदाताओं का सहयोग इन गौशालाओं तक नहीं पहुँच रहा है, जिससे गोवंश के लिए चारे पानी का संकट आ गया है। यही नहीं, दूसरे राज्यों से आने वाला चारा भी फिलहाल नहीं आ पा रहा है। हरियाणा और पंजाब से जो आ रहे बॉर्डर सील है, ट्रक वगैरह का साधन नहीं मिल पा रहा है सूखे चारे के लिए। राज्य सरकार धन्यवाद के पात्र है कि हरे चारे की गाड़ियाँ जो रोजाना नियमित आती है वो आपने खोल दी है, उससे गायों का चारा, गायों का भरण पोषण किया जा रहा है। आपसे अनुरोध यही है कि इस बार 1 वर्ष के अनुदान गौशालाओं को दें, क्योंकि इस कोरोना की महामारी से भामाशाह और दानदाता बहुत दूर तक गाँव की गायों की सेवा नहीं कर पाएंगे, और इसकी अगर आप 1 वर्ष से हरे चारे की व्यवस्था करेंगे तो गौशालाओं में गोवंश का रखरखाव संरक्षण अच्छी तरह से हो सकेगा। धन्यवाद। हाँ देखिए,
हम लोगों ने पहले गौ माता के लिए जो डायरेक्टर बनाया था, निदेशालय बनाया था, वो आपकी जानकारी के अंदर, फिर उसका नाम विभाग बदल दिया उसको, पर कम से कम पूरे कंट्री के अंदर राजस्थान पहला राज्य जहाँ निदेशालय बनाया गया उसका, उसकी शुरुआत हुई है, उसको और आगे मजबूत करेंगे। और 6 महीने की बजाय 9 महीने के अनुदान मिले, वो व्यवस्था भी हमने कहा था। अभी हमने अप्रैल के अंदर 275 करोड़ रुपये अभी जारी किए हैं इस महीने ही, और करीब 1900 गौशाला हैं, 8.5 लाख पशु की देखरेख अभी की जा रही, जो सरकारी आंकड़ों की बात मैं कर रहा हूँ। और चीफ सेक्रेटरी साहब ने 5 राज्यों के जो मुख्य सचिवों को पत्र भी लिखा है कि आप जो है चारे परिवहन में कोई रुकावट आपस में नहीं आए, उसको सुनिश्चित करें। और कलेक्टर्स को भी अधिगत किया गया है कि जरूरत पड़ने पर अभी से ही चारा डिपो या पशु शिविर भी खोल सकते हैं, पर अप्रैल के अंदर खोलने का कहना मैं समझता हूँ बड़ा निर्णय है कि जहाँ जरूरत हो वहाँ पर पशु शिविर चारा डिपो अभी से खुलने लग जाए, जिससे कि चारा महंगा नहीं मिले पशुपालकों को। कल ही हमने बात करी थी कि हरियाणा और पंजाब जहाँ जहाँ चारा मिल सकता हो अभी सस्ता, वो अभी से लेने की प्रक्रिया शुरू कर दें, जिससे कि बाद में तकलीफ नहीं आएगी जब पीक टाइम होगा तब। आरसीडीएफ से भी कहा गया है पशु आहार खरीदने की बाध्यता को हटा दिया गया है, तो चारों ओर से हम चाहते ही रहता है पशुधन जो है, जब जब अकाल पड़े आज़ादी के बाद में, तब तक आप देखा होगा कि हमेशा मनुष्यों के साथ में पशुधन का विशेष रूप से गायों का ध्यान रखा गया है। इसलिए आज हमारे राजस्थान में आज भी अच्छी नस्ल की गायें मिलती है गाँव में दूर दराज के इलाकों के अंदर। आप निश्चिंत रहें, गौशालों वाले से हम संपर्क में रहेंगे और जो जो उनकी समस्याएं आएगी उनको हल करते जाएंगे। धन्यवाद। थैंक्स सर। धन्यवाद बीएम शर्मा जी। मैं अनुरोध करूंगा हमारे वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र छाबड़ा जी से कि अपनी बात रखते हैं। नमस्कार मुख्यमंत्री जी। नमस्कार। मौजूदा संकट में राजस्थान कई मामलों में अग्रणी रहा है। लॉकडाउन हमने सबसे पहले लागू किया, तो लॉकडाउन के लिए जो नियम कानून और गाइडलाइन थी वो सबसे पहले हमने बनाई। जब 2 रोज़ बाद केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लगाया तो हमारा मॉडल, हमारे नियम कानून उन्होंने यथावत लागू किए, फॉलो किया। फिर हमने कोरोना के रोकथाम के लिए जो प्रयास किए उसमें भीलवाड़ा मॉडल हमारा पूरे देश में चर्चित रहा, वो भी एक हमारा अग्रणी प्रयास था। सैंपलिंग के मामले में जैसा भी आपने बताया फिगर हमें कि 47,000 सैंपलिंग करके हम राजस्थान पूरे राज्य में पूरे देश में सबसे आगे हैं। और सबसे ताज़ा कल आपने रैपिड टेस्ट का भी शुभारम्भ राजस्थान में किया पूरे देश में, उसको मंगाने में भी और टेस्ट करने में भी हम सब आगे रहे। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब हम सभी मामलों में आगे हैं तो जब ये जंग थमेगी, जब भी थमेगी, तो क्या राजस्थान उस समय इसी प्रकार अग्रिम पंक्ति में रहेगा, ऐसा आशा करके चल सकते हैं आपके नेतृत्व में? देखिए, आपकी सराहना के लिए आपको धन्यवाद। और दूसरा, जो भी अभी तक कार्रवाई हुई है उसको आपने खुद ने कहा कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, राजस्थान के अंदर भी, राजस्थानवासी भी, ऑलमोस्ट ऑल पॉलिटिकल पार्टी वो लोग भी तारीफ कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी के अंदर, पुलिस प्रशासन के अंदर जो जज्बा काम करने का बना है, कर्मचारियों में चाहे किसी लेवल के हों, वो गजब का बना है। और पॉलिटिकल जो कार्यकर्ता हैं वो भी अपने अपने हिसाब से सब लोग लगे हुए हैं, चाहे कोई पार्टी का लोग हो, इक्का दुक्का छोड़ दीजिए, बाकी सब लोग लगे हुए हैं। और यही खुशबू मैं समझता हूँ पूरे देश में फैली है भीलवाड़ा को लेकर भी, इसीलिए। पर इससे कोई हमको अपनी पीठ थपथपाने बैठ जाए वो सोच हमारी नहीं रहेगी। भीलवाड़ा एक मॉडल है, वहाँ की परिस्थितियों के आधार पर उसको लागू किया गया तत्काल, हम लोग उस पर कामयाब हुए। अब भीलवाड़ा में कोई भी मरीज नहीं रहा है, जल्दी नॉर्मल लाइफ शुरू होने जा रही है।
उसी प्रकार से हम चाहेंगे कि आप सबके सहयोग से, शुभकामनाओं से, प्रदेशवासियों का आशीर्वाद से, सबके सहयोग से वो दिन भी आए, कभी जल्दी आए, जिससे कि वापस नॉर्मल स्थिति राजस्थान बने। हम चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे अन्य सेवाएं हो, चाहे मॉडिफाइड लॉकडाउन के आधार पर आर्थिक गतिविधियां चालू करने की बात हो, सब क्षेत्र में जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसी बहाने एक और हम लोगों ने तय किया है कि एक ऐसी एक अवसर है, ये संकट की घड़ी है, इसको कैसे हम लोग फ्यूचर के लिए अपनी स्थिति मजबूत और करें स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर। इसलिए चाहे वो आईसीयू के बेड बनाने की बात हो, सुविधा बढ़ाने की बात हो, या इक्विपमेंट खरीदने की बात हो, वेंटिलेटर खरीदने की बात हो, और तो और जो लैब जो पहले आपको मालूम है टेस्ट के लिए पुणे और दिल्ली जाते थे, स्वाइन फ्लू के बाद में यहाँ 6 जगह लैब बनी। आज हम कह सकते हैं और आज हमने तय किया है हर जिले में लैब बनेगी, जिससे कि आने वाले वक्त में कभी कोई संकट आए तो जिले में ही उसकी टेस्टिंग हो जाए और तकलीफ नहीं हो। इस प्रकार से हम लोगों ने पूरे राजस्थान के अंदर ये इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का काम करेंगे। इसलिए आपकी जो सोच है कि जब ये सब बातें ठीक हो जाए, जंग जीत जाओ, तब राजस्थान आगे दिखे देश के अंदर, आपका मकसद ही होना चाहिए और ये भावना हर प्रदेशवासी की होनी चाहिए। और ये भावना मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति की होगी, और जो सब लगे हुए समर्पित है, प्रतिबद्ध है, तो हम अवश्य ही अग्रणी राज्य के रूप में रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। छावड़ा साहब, थैंक यू वेरी मच। सर ये नहीं है, नेक्स्ट। अब मैं आमंत्रित करता हूँ मैडम राखी राय जी को, ये अपना प्रश्न माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखें। सर आपने कहा कि लॉकडाउन धीरे धीरे खुलेगा एंड द फर्स्ट वुड बी लाइक द इंडस्ट्रीज जो ओपन अप करेंगी, तो फर्स्ट में भी पूछना था कि जयपुर में कौन कौन से इंडस्ट्रियल एरियाज खुलेंगे एंड उसके बाद इंडस्ट्रीज के बाद क्या क्या चीजें आप धीरे धीरे हाउ विल यू अनलॉक द वेरियस फेजेस। इसका जवाब मैं मैडम दे चुका हूँ, और जो भारत सरकार ने 3 मई तक बढ़ाया है तो आप समझ सकते हैं कि कुछ सोच समझ के बढ़ाया होगा, पूरे देश के हालात का जो फीडबैक मिला होगा उसके आधार पर बढ़ाया गया है। और 20 तारीख से जो मॉडिफाइड लॉकडाउन के रूप में हम लोग कुछ एक्टिविटी शुरू करेंगे, पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा है कि उसमें भी तमाम वो रहेंगे, राइडर्स रहेंगे, जिससे कि लोगों को बचाव हो, जिंदगी का बचाव हो, चाहे मास्क की बात है और चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात है। इंडस्ट्री वही चालू हो पाएगी जो सब कुछ ये पैरामीटर्स या जो लॉकडाउन के दरमियान जो शर्तें हैं वो पूरी करने में जो सक्षम होंगे वो इंडस्ट्री चालू कर पाएंगे और चालू हो पाएंगे, वरना हो सकता है कि हमें कदम उठाना पड़े वापस बंद करवाने का। इसलिए बकायदा सरकार स्ट्रिक रहेगी, किसी की लापरवाही जनता पे भारी पड़े ये सरकार कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, ये मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। राखी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये पूरी सरकार की वेबसाइट पे डिटेल गाइडलाइन अवेलेबल है, मैं एडवाइस दूंगा कि एक बार, क्योंकि 14 पेज की गाइडलाइंस हैं, आप उन्हें रेफर कर लें। मैं निवेदन करूंगा श्याम सुंदर शर्मा जी से, राष्ट्रीय सहारा से। मुख्यमंत्री जी नमस्कार, क्योंकि आपने आपको इस बात के लिए बधाई है कि आपने निरोगी राजस्थान कार्यक्रम पहले से शुरू कर दिया, कि ऐसा लग रहा था कि राजस्थान में और पूरे देश में कोई प्रकोप आने वाला है। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ ये भी बात है कि आपने भीलवाड़ा मॉडल पूरे देश में लागू करने के लिए पूरे मुख्यमंत्री जी से कोई पत्र लिख करके अवगत कराया था, लेकिन दूसरी तरफ जयपुर, जोधपुर, कोटा, टोंक आदि जगहों पर हम इसको प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर पाए जिस प्रकार से भीलवाड़ा में लागू हुआ, और प्रशासनिक स्तर पर क्या तो चूक रही इसमें। इसके अलावा जयपुर और जोधपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है और लॉ ऑर्डर की जिम्मेदारी भी पुलिस कमिश्नर्स को होती है, कलेक्टर्स के पास होती नहीं है। ऐसी स्थिति में जयपुर और जोधपुर में जो कलेक्टर्स थे वो जूनियर्स थे और पुलिस के अधिकारी सीनियर्स थे, इस कारण से बहुत सारी चीज़ें रही और आपको हस्तक्षेप भी करना पड़ा और आपने परिवर्तन भी किया।
अब आने वाले समय में ऐसी कौन सी नई व्यवस्था लागू करना चाहते हैं जिससे कि समन्वय अच्छा बना रहे और ये जो संकट वाला काल है वो हम तरीके से निपट करके एक अच्छी उजाले की तरफ चले जाएं और जो हमारा राजस्थान भीलवाड़ा के कारण पूरे देश में और कैबिनेट सचिव ने भी उसको देखिए आप जो कह रहे हैं कि भीलवाड़ा के मॉडल के बाद में आपको कुछ कमी नजर आई अन्य जगहों पर, ऐसी बात नहीं है क्योंकि उसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। वो मॉडल ही ऐसा मॉडल है जिसके माध्यम से आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए वो मॉडल ही सब जगह काम कर रहा है। सिर्फ फर्क इतना है कि भीलवाड़ा शहर की जो आबादी है वो हमारा जो पूरा जिला वो भीलवाड़ा और हमारी शहरी आबादी जयपुर शहर की आबादी ज़्यादा है, तो एक फर्क पड़ जाता है एरिया वाइज कर्फ्यू लगाने का, कर्फ्यू को मेंटेन करने का, लोगों को संदेश करने का। बाकी आप देख लीजिए कि चूक कहीं नहीं हुई है, हमें कॉन्फिडेंस है कि जो मरीज आने हैं वो आएंगे, क्योंकि जितना हम ज़्यादा टेस्टिंग करते जाएंगे मरीजों की संख्या बढ़ती है। ये पूरे विश्व के अंदर ये फॉर्मूला जो अपनाया गया है पूरे विश्व के आंकड़े बताते हैं, देश के आंकड़े बताते हैं, जितना ज़्यादा होंगे टेस्ट उसी ढंग से आंकड़े बढ़ेंगे। परंतु आप उससे अंदाज लगा लीजिए कि मुश्किल से 8-10 मरीज आईसीयू में हैं, सभी मरीज ठीक हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, छुट्टी मिलती जा रही है। इसलिए आप चिंता नहीं करें, जो कोरोना वॉरियर्स हैं या सरकारी संगठन का मैं सबका बारंबार मैं आप सबकी ओर से प्रदेशवासियों की ओर से धन्यवाद करता हूँ कि रिस्क लेकर के उन्होंने कभी आनाकानी नहीं करी है। जब से ये कैंपेन शुरू हुआ है आप देखा होगा कि इक्का दुक्का मैं नहीं कह सकता, तमाम वॉरियर्स जो है मेडिकल साइड के हों या पुलिस प्रशासन के हों या सरकारी कर्मचारी हों या पॉलिटिकल वर्कर्स हों, सब अपने तरीके लगे हुए हैं। इसका मतलब सब लड़के जंग जीतना चाहते हैं। अब क्या है कि स्वास्थ्य मंत्री जी और हम लोग सब देख रहे हैं दिन रात, तो ये तो फील्ड में भी जाके आए हैं, हमारे विधायक गण जो यहाँ पर जयपुर के वो लोग फील्ड में गए हैं, कमी कोई नहीं रख रहा है। इसलिए ये कहना कि कोई भीलवाड़ा मॉडल के बाद में चूक हुई ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि आज मैं न्यूज पढ़ रहा था उदयपुर की, जो विदेशी अमेरिका फ्रांस इटली के वहाँ टूरिस्ट हैं वो तारीफ करने चाह, हम तो जब तक हमारे मुल्क में स्थिति ठीक नहीं होगी तब तक हम तो यही रहना चाहेंगे, इतनी अच्छी सुविधा हमें यहाँ मिल रही है, इतना अच्छा माहौल राजस्थान के अंदर है और पूरे देश के अंदर भीलवाड़ा को लेकर चर्चा हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि हमें उस स्पीड को बनाए रखना है। इसलिए आप निश्चिंत रहें कि सामंजस्य की कोई कमी नहीं रहेगी, सब मिलकर कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि अभी इतने अरसे बाद में भी सब ने एकजुट होकर के इस काम को संभाला हुआ है। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से श्री पी जॉयचंद को आमंत्रित करता हूँ कि कृपया अपना सवाल रखें। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन है, ये कोरियन मॉडल है टेस्टिंग कियोस्क का, क्योंकि आपको हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ेगा, कियोस्क में भी आपको टेस्ट करने का मॉडल है, केरला में अच्छी तरह इसको इम्प्लीमेंट हुआ है, क्योंकि अपन को मई 3 को बहुत ज़्यादा लोग, एक बार लॉकडाउन खोलने के बाद बहुत ज़्यादा लोग आने का संभावना है राजस्थान में, वो टेस्टिंग में ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, उसी के लिए इस तरह का कोई मॉडल लागू करने के लिए सोच रहे क्या? देखिए कोरिया मॉडल को स्टडी किया हुआ है यहाँ पर, कोरिया मॉडल जो है वो भी ज़्यादा टेस्टिंग का मॉडल है। आपसे जो है कियोस्क में आप कह रहे हैं कि जाने की बात है, वहाँ कियोस्क में आने की बात है, हम तो घर घर जा रहे हैं, तो उससे बेटर मॉडल अपना होगा। कोरिया एक छोटा कंट्री है इसलिए उन्होंने अपने तरीके से उसको अप्रोच बनाया। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, 130-135 करोड़ की आबादी हो गई, ज़्यादा हो गई है, राजस्थान की आबादी 7.5 करोड़ की आबादी है। हमारे यहाँ जो सैंपल लिए जा रहे हैं बहुत ही लिए जा रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि
जो भी यहाँ तक कि रैपिड टेस्ट भी शुरू कर दिए, करीब 5,000 टेस्ट आज किए जाएंगे जयपुर के अंदर, और पीएससी को भी हमने पीएससी को भी हो सकता है जरूरत पड़ने पर एम्बुलेंसेज को भी काम लेंगे, जिससे कि आराम से आदमियों को जाना नहीं पड़े और टेस्ट उसका आराम से हो जाए। अभी एक टीम आई थी दिल्ली से वरिष्ठ अधिकारियों की, उसने अपने इस मॉडल की तारीफ करी राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से टेस्ट हो रहे हैं, इसलिए आप निश्चिंत रहें हम लोग उसी रूप में इसको अपनाए हुए हैं और उसी रूप में इसको आगे बढ़ाएंगे और मैं नहीं समझता कि कोई तकलीफ आएगी। धन्यवाद सर। थैंक यू जयचंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अकेले राजस्थान की आबादी कोरिया से 1.5 गुना है, ये जस्ट एक मैं राजेंद्र हरितवाल जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपना प्रश्न रखें। नमस्कार प्रधान, नमस्कार मुख्यमंत्री जी, क्या हो गया? आवाज नहीं आई साहब, आप तक आवाज नहीं पहुंची। कह रहे आवाज नहीं पहुंच रही सर। आ रही है, आ रही है, बोलिए प्रश्न रखिए कृपया। प्रश्न, आपकी आवाज ज्यादा ही आ रही है। यहाँ तक आई तो आपको हमने नमस्कार किया, आपका कोई जवाब नहीं मिला। अच्छा। प्रश्न रखिए। नमस्कार। केंद्र सरकार सीमांत कृषकों को पैसा दे रही है, पर आप पैसा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? राज्य सरकार भी कोई पैसा देने का प्रावधान रखती है सीमांत किसानों को? क्या कह रही है? 2,000 रुपए केंद्र सरकार दे रही है। ऊपर जो 2,000 वो केंद्र सरकार, वो लघु और सीमांत किसान जो है वो जो लिस्ट पहले बनाई थी भारत सरकार ने उसके अकॉर्डिंग जो पैसा दे रही है, हमने उनसे आगे बढ़ करके उनको भी दिया है जिनको वो दे रहे हैं, डबल पैसा पहुंचे उनके पास में, नंबर एक। और नंबर दो, जो हमारे यहाँ जो मजदूर हैं जो बीपीएल स्टेट बीपीएल अंत्योदय योजना वाले हैं या जो असहाय लोग हैं, आगे पीछे कोई नहीं है, कचरा बिनने वाले हैं या दिहाड़ी मजदूर के लोग हैं, उन सब का हमने सर्वे करवाया राजस्थान के अंदर, स्पेशल सर्वे हुआ है। यूँ करके 33 लाख लोगों को हमने पहले 1,000 रुपये, उसके बाद में 1,500 रुपये उनके खाते में डाले हैं। जिनके खाते नहीं हैं उनको भी हमने कैश दिया है, और जो कैटेगरी आप बता रहे हो उस कैटेगरी वाले भी उसके अंदर आते हैं अधिकांश लोग, उनको पैसा वो जो मिला 2,000 रुपये मिला वो भी मिला है, और हम लोगों ने दिया है वो पैसा भी उनको मिला है। इसलिए यहाँ के लोग कंफर्टेबल हैं राजस्थान में, सोशल सिक्योरिटी के हिसाब से जो 10-10 किलो गेहूँ फ्री, दो पेंशन एक साथ में 78 लाख, मतलब करीब 88 लाख लोगों को एक साथ पेंशन दी गई, एक एक घर में 1,500 से लगा के 4,000 रुपये तक पहुंचा। उनमें से 9 लाख लोग ऐसे हैं जिनको भारत सरकार जो पेंशन देती है उनका अलग क्राइटेरिया होता है, वो हमारे 78 लाख में शामिल है, उनको डबल पेंशन मिली है। हमने जो पैसा दिया वो तो दिया ही है, उसके अलावा 1,000 रुपये भारत सरकार के भी आया उनके पास में। इस प्रकार से राजस्थान के अंदर मैं समझता हूँ बहुत कंफर्टेबल रख करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू। मैं अब सुशांत पारिक जी से अनुरोध करूंगा कि अपना प्रश्न रखें। सुशांत पारिक जी, न्यूज। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सवाल ये है कि पहले भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा थी, लेकिन जिस तरीके से रामगंज में लगातार केस में कमी आई है तो अब रामगंज मॉडल की भी चर्चा होने लगी है। मैं सर ये जानना चाहता हूं कि दोनों जगह क्या एक ही मॉडल एक ही फॉर्मूला लागू किया गया है या कुछ बदलाव परिस्थितियों के हिसाब से बसावट के हिसाब से किया गया है? सर सेम मॉडल, मॉडल तो क्या मॉडल का अप्रोच होती है कि भाई आप रूट लेस ली, आप थोड़ा लोगों को तकलीफ तो होगी पर जिंदगी बचाने के लिए रूट लेस ली आप एक्ट करो, यही है मॉडल। उसमें कर्फ्यू लगाने की बात है, क्वारंटाइन में भेजने की बात है, क्वारंटाइन में लोग रह रहे हैं उनके ऊपर भी थोड़ा ध्यान रखें, कहीं वो इधर उधर घूमे नहीं इधर उधर, या जो सरकारी क्वारंटाइन बनाए वहाँ चले जाएं, घरों में रह रहे उनकी निगाह रख लो,
और 3,000 टीम बना करके घर घर सर्वे करवा दिया, स्क्रीनिंग कर दी, जो उसमें 14,000 लोग पाए गए जिनमें कुछ लक्षण दिख रहे थे उनकी टेस्टिंग करवा दी और मरीजों को जयपुर भेज दिया और फॉर्चुनेटली सभी ठीक हो गए। तो ये मॉडल जो है ये पूरे देश में चलेगा और पूरे राजस्थान में चलेगा। अब इसमें जो एरिया वाइज थोड़ा बहुत सतही अंतर पड़ जाता है, बाकी थीम वही रहेगी, स्ट्रिक्टनेस रहेगी, कर्फ्यू लगाए जाएंगे। अभी करीब 50 जगह है, 49 जगह या 50 जगह आज कर्फ्यू लगे हुए हैं, वो छोटे बड़े हॉटस्पॉट बने हुए हैं, उसी रूप में वहाँ पे काम हो रहा है। रामगढ़ की आबादी इतनी वो बड़ी आबादी है, घनी आबादी है, मैपिंग की गई वहाँ पर, 30 क्लस्टर बनाए गए वहाँ पे भी। तो ये भीलवाड़ा से हटके थोड़ा और एडवांस बात हो गई। इस प्रकार से हम लोगों ने मैं समझता हूँ हर क्लस्टर में 20-20 सैंपल ले लिए गए, 30 क्लस्टर बना दिए, 20-20 सैंपल ले लिए, इस प्रकार रैंडम का ये मॉडिफाइड रूप है। इस प्रकार से हमने कोशिश करी है। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर। अब मैं हर्ष खटाना से दैनिक भास्कर से अनुरोध करूंगा कि अपना सवाल रखें। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा सवाल है हॉटस्पॉट वाली जो जगह है इनमें सरकार की कोई अलग प्लानिंग है क्या, क्योंकि इसमें ये जो है हॉटस्पॉट वाली जगह जयपुर, जोधपुर या टोंक या और भी जिले हैं, ये मुख्य शहरों की मुख्य धाराओं से जुड़े हुए हैं, ऐसे में कोई अलग प्लानिंग या इनके सामान्य जनजीवन की एक कल्पना कब तक संभव हो सकती है? देखिए ये तो सबसे पहला प्रायोरिटी जान बचाना है, बिजनेस बाद में है, इसमें कोई दो राय नहीं कि बिजनेस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्थिक गतिविधियों के कारण से जो तकलीफ पैदा हुई है पूरा ठप हो गया, रेवेन्यू भी और रोजगार सब समाप्त हो गए, व्यापार सब ठंडे पड़ गए, बंद पड़ गए, तो बहुत संकरी घड़ी वो भी है। स्वार्थ के मोर्चे पर संघर्ष सरकार कर रही है तो आर्थिक मोर्चे भी सरकार संघर्ष कर रही है, दो मोर्चे भी एक साथ लड़ना पड़ रहा है, दोनों महत्व रखते हैं। पर आप निश्चिंत रहें अगर कहीं हॉटस्पॉट है तो एक्टिविटी शुरू होगी तो उस रूप में होगी कि ये कोई किसी को आज़ादी नहीं होगी कि जब मर्जी आ जाए चले जाए आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कह चुका हूँ कि उसमें जो प्रोटोकॉल है लॉकडाउन का प्रोटोकॉल, कर्फ्यू का प्रोटोकॉल, उसको 100% लागू करके फिर हम लोग आगे काम करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू हर्ष जी। अब मैं अनुरोध करूंगा समीर शर्मा जी राजस्थान पत्रिका से, जो अपना सवाल रखें। कृपया। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा सवाल है ये कोरोना वॉरियर्स हैं जिनके खिलाफ पत्थरबाजी की घटनाएं आए दिन आ रही हैं सर, और ये जो असामाजिक तत्व हैं इन पर सख्त कार्रवाई के लिए आपने कह भी रखा है, टीम की भी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हुए हैं आपने, तो दूसरी सरकारों ने इनको सख्ती से रोकने के लिए रासुका जैसे कानून में के तहत कार्रवाई की भी निर्देश दिए हुए हैं, क्या ये अपने यहाँ भी इस तरीके के प्रावधान करने की जरूरत है क्या ऐसी घटनाएं रोकने के लिए? देखिए कोरोना वॉरियर्स को तो हम सब सलाम करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, सरकार बार बार चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे मुख्यमंत्री हो सभी लोग कहते हैं कि इनका अभिवादन करें जहाँ कहीं मिले, तो इतना सम्मान समाज ने इनको दिया है और ये लोग खुद भी अभिभूत है इस बात को लेके और जम के अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ जगहों पर घटनाएं आप ये भी देखिएगा कि कई जगह तो पुलिस की कार्रवाई को पुलिस को भी स्वागत लोग कर रहे हैं, उनका भी स्वागत कर रहे हैं, वो भी जान में जोखिम डाल करके अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, तो सभी वर्ग के लोग सब जगह अपनी जिंदगी रिस्क पे लगाए काम कर रहे हैं। कुछ जगह घटना हुई है जो टोंक की घटना कल हो गई, उनकी जितनी निंदा करें उतनी कम है और सरकार ने 8 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया है। ऐसी घटना चाहे कोई व्यक्ति कोई समुदाय कोई वर्ग करे, एक सा पैमाना सबके लिए रहेगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और उसके लिए भी कुछ संकोच नहीं होगा सरकार के अधिकारियों को कि किन परिस्थितियों में उन्होंने
मिसबिहेव किया, किन परिस्थिति में किया, परिस्थिति नहीं देखी जाएगी, परिस्थिति नहीं देखी जाएगी, सिर्फ ये देखा जाएगा ये घटना घटित क्यों हुई है। इतनी स्ट्रिक्टनेस से हम चलेंगे तब वो अपना काम जो है वो आराम से कर पाएंगे। अभी तक 191 लोग 199 लोग अरेस्ट हुए अभी तक राजस्थान के अंदर। बाकी तो मैं समझता हूँ कि अभी आपने कोई सुझाव दिया तो पहले शायद कि इसमें कोई एनएसए को नहीं लगता है, एनएसए की स्थिति है नहीं अभी, क्योंकि कोई पूर्व नियोजित प्लानिंग करके कोई 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 कार्रवाई कर रहे हो मान लीजिए तब तो कोई कोई सोचे सरकार, तो ये उसमें ऐसी स्थिति नहीं है। मैं तो अपील करना चाहूँगा कि जो सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग और कुछ नेता लोग जिस प्रकार का मैसेज दे रहे हैं वो बहुत ही कंडम करने योग्य है, निंदनीय है, अनफॉर्चुनेट है, और जिम्मेदार पदों बैठे हुए लोग करेंगे तो और ज़्यादा मैं समझता हूँ दुख होगा सबको। बे शर्मे से कर रहे हैं, बे शर्मे से कर रहे हैं, कुछ और लोगों की भावना भड़कती है। गलती एक आदमी करे, एक संस्था करे, एक कुछ लोग करे और आप उनकी आड़ में आप अगर पूरे कौम को पूरे सभी लोगों को अगर आप बदनाम करने लग जाएं, वो मैं समझता हूँ परंपरा ठीक नहीं है। उससे कैसे आप संघर्ष करेंगे? कोरोना जैसे महामारी की जंग को जीतना हमें है तो सभी जो लोग हैं, सभी समुदाय, सभी वर्ग, सभी धर्म जातियों के लोग, हम सबको एकजुट होकर लड़ पाएंगे देश के अंदर और प्रदेश में, तब जाके कामयाब होंगे। उसके अंदर ये इस प्रकार से सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं वो करना नहीं चाहिए, और मीडिया को भी ऐसे लोगों को प्रताड़ित करना चाहिए, कंडेम करना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू शुक्रिया समीर जी। मैं अब अंतिम प्रश्न अजय बड्डा जी पंजाब केसरी से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपना प्रश्न रखें। नमस्कार सर। नमस्कार। एक तो सर मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि कोरोना में जो काम राजस्थान सरकार ने किया है वो बड़ा सराहनीय है। धन्यवाद। और लॉकडाउन की पहल आपने की वो बड़ी अनुकरणीय रही है सर, सबसे पहले अपन ने किया। तो सवाल ये है कि साहब जो मॉडिफाइड लॉकडाउन जब लागू होगा जिसके बारे में सरकार अभी तो फैसला करेगी कि काम छोड़ ही देनी है, उसको लेकर 20 तारीख को फिर छूट देनी है नहीं देनी है, तो इसके लिए क्या कोई सरकार ने एक्शन प्लान बनाया कि साहब कि वहाँ महामारी नहीं फैले ऐसी जगह जहाँ अपन छूट देंगे, क्योंकि अभी भी कई अपने जोन जो है रेड एरिया में है सब, तो उसके लिए कोई एक्शन प्लान है क्या साहब कि जिन जगह छूट देंगे वहाँ कोई बीमारी वापस नहीं फैले? देखिए वो तो जब एक बार भारत सरकार ने पूरे देश के लिए 3 मई तक बढ़ा दिया है तो उसके मैं समझता हूँ कि भारत सरकार की गाइडलाइन वो आधार बने देश के अंदर, और राज्यों की परिस्थितियाँ क्या है लोकल, उन दोनों का समन्वय करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब जाकर के ज़्यादा समन्वय रहेगा, ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अच्छे ढंग से हम लोग मॉडिफाइड इसको लागू कर पाएंगे। एक्टिविटी धीरे धीरे कैसे चालू हो, किस प्रकार से गाड़ी पटरी पर, बहुत मुश्किल काम है। लॉकडाउन लगाना आसान काम है, रात को 8 बजे कह दीजिए 12 बजे लॉकडाउन हो गया, पर लॉकडाउन खत्म करना है उसके लिए गाड़ी पटरी पर आना बहुत मुश्किल काम है। कैसे एक एक वन बाय वन स्टेप शुरू होगा, एक एक व्यापारियों को अलग, इंडस्ट्री को अलग, मजदूर व्यवस्था करो, रॉ मटेरियल की व्यवस्था करो, रॉ मटेरियल की ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करो, बड़ा काम है ये, कोई मामूली काम नहीं है, ये भारत सरकार को राज्यों को मिलकर ही करना पड़ेगा, तब जाकर के। और वही मैं समझता हूँ कि जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा तो महीनों लगेंगे, महीनों कुछ लगेंगे, कुछ छोटी बड़ी दुकानदार 4-5-6 दिन उसको लग जाएंगे, किसी को 15-20 दिन लगेंगे, किसी को महीनों लगेंगे, इंडस्ट्री बड़ी इंडस्ट्री छोटी इंडस्ट्री को शुरू करने के अंदर 2-4 महीने लग सकते हैं, ये कोई मामूली बात नहीं। अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है,
राज्यों को रेवेन्यू आना बंद हो गया है, केंद्रों को बंद हो गया है, तब तो केंद्र सरकार को विचार करना पड़ेगा किस प्रकार से आरबीआई का सहयोग ले, किस प्रकार से नोट छापने का आवश्यकता पड़े तो एक्स्ट्रा नोट छापने पड़े तो वो भी उसको अलाउ करे, वो स्थिति भी आ सकती, तब जाके आप इस लॉकडाउन को आप मुकाबला कर पाओगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था चौपट हो गई तो लोगों को क्या खिलाओगे आप, गोदाम भरे पड़े हैं अनाज के, और सारे एक्सपर्ट की राय है कि कोई भूखा नहीं मरना चाहिए, गोदाम भरे गेहूँ छूट दे दीजिए आप सबको, राशन कार्ड है अथवा नहीं है, जो नाम लिखा हुआ है फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत, नाम हजारों लोगों के नहीं, उसके अंदर लोग सैकड़ों लाइन लगाए बैठे हैं, उनको छूट दे दीजिए आप, जो गेहूँ लेना चाहे, समझदार व्यक्ति के पास गेहूँ लेगा नहीं वो तो, और बाकी मैं समझता हूँ कि जो गेहूँ मांग रहा है गेहूँ का मना मत करो, ये पूरे देश के अंदर राशन की दुकानों को उनके पास सब लिस्टें हैं, राशन कार्ड नो राशन कार्ड नाम है कि नहीं छोड़ दी बातों को, सबके पास गेहूँ पहुँचना चाहिए, तब जाके लोग भूखे नहीं रहेंगे, ये मेरा मानना है। तो बहुत बड़ा काम ये है जो आपने क्वेश्चन किया, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़े रूप में हम लोगों को इसको आगे बढ़ना पड़ेगा, सावधानी पूर्वक और सोशल डिस्टेंसिंग की हैबिट डालनी पड़ेगी फ्यूचर के लिए भी, थूकना बंद करना पड़ेगा, और आपका ये जर्दा वाला जो खाते हैं क्या आप भी खाते हो? छोड़ दिया। तो जो है बंद करना पड़ेगा, पहले जो है पहले जर्दा बंद हमने किया है गुटखे में, अब हो सकता है गुटखा बंद हम करते हैं, क्योंकि थूकने की हैबिट यूरोप में पहले बहुत ज्यादा थी, पर यूरोप में आज सालों से देख रहे हैं कि यूरोप में थूकने की हैबिट बिल्कुल बंद हो गई है, अब थूकना उनको बहुत बड़ा वो क्राइम मानते हैं, वही हिंदुस्तान में वही रास्ता होना चाहिए, थूकने की हैबिट बंद तब होगी तब मुंह के अंदर जर्दा फर्दा जो ये क्या गुटखा वुटखा सब बंद होगा, उस पर हम अलग से विचार करेंगे। धन्यवाद। आप सभी को इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण सीएमआर से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पत्रकारों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए थे, पत्रकारों के सवालों के जवाब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिए।